अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आमिर फ्रॉम AM मोटो व्लॉग्स। क्या हाल चाल आप सबके? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है वो आपको थंबनेल और टाइटल से तो बिल्कुल पता चल गया होगा कि किस बारे में है। आज की जो वीडियो है वो है टोयोटा ने जो प्राइसेस बढ़ाई हैं उसके बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे ये कहना है आपसे कि व्यूअर्स, मैं जो भी कोई गाड़ी का रिव्यू कर रहा होता हूँ या बाइक का रिव्यू कर रहा होता हूँ या मैं बाइक चला के उसके बारे में आपको बता रहा होता हूँ, वो सिर्फ मेरे थॉट्स होते हैं। जितना मेरा नॉलेज है बेसिकली मैं वो शेयर कर रहा होता हूँ आप लोगों के साथ। जितना मेरा नॉलेज कार्स में है या जितना मेरा नॉलेज बाइक्स में है तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा होता हूँ। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो वीडियोस के नीचे कमेंट कर रहे होते हैं कि सर इसकी प्राइस क्या है और सर क्या ये फॉर सेल है, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है तो मुझसे रब्ता करें, मैंने ख़रीदनी है। तो इस तरह है कि मैं ना तो कोई बाइक सेल कर रहा हूँ और ना ही कोई कार सेल कर रहा हूँ। अगर मैंने सेल करनी होगी तो मैं थंबनेल और टाइटल के ऊपर लिखूँगा कि ये प्रोडक्ट या ये कार या ये बाइक फॉर सेल है। वैसे जो मेरी वीडियोस हैं वो सिर्फ नॉलेज के लिए हैं ताकि आप लोगों को चीज़ें ख़रीदने में बाय करने में आसानी रहे, तो और उनमें कोई भी चीज़ प्रोडक्ट्स फॉर सेल के लिए नहीं होती। अच्छा, दूसरी ये चीज़, जब लोग ये चीज़ पूछ रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं जो बड़ी अब्यूज़िव लैंग्वेज भी इस्तेमाल करते हैं, तो काइंडली आपसे ये कहना है कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद आती है तो वीडियो देख लिया करें, नहीं पसंद आती तो एटलीस्ट लाइक नहीं करना या फॉरवर्ड नहीं करनी, तो यार अब्यूज़िव लैंग्वेज ना यूज़ किया करें, ये अच्छी बात नहीं है, गलत बात है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोबारा यही कहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहा करें। तो व्यूज़, मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि टोयोटा का तो स्पेसिफिक नहीं कहा था, मैंने ये कहा था कि कार्स और बाइक्स की जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ होने जा रही हैं। इन सब में जो सबसे ज़्यादा तेज़ होता है वो टोयोटा होता है प्राइसेस इंक्रीज़ करने में। अब बहुत सारे लोगों ने ये बात कहनी है कि जी अब कंपनीज़ को बुरा भला कहना शुरू कर देंगे कि जी ये हो गया और वो हो गया, प्राइस इंक्रीज़ कर दी है तो क्यों की है। अब व्यूज़, इसमें बात थोड़ी सी समझने वाली है तो इसलिए लिहाजा वीडियो जो है ना पूरी देखिएगा। बात समझने वाली ये है कि हमारे कंट्री का जो डॉलर है वो भी आप देखें कि स्टेबल नहीं है, वो बिल्कुल स्टेबल नहीं है। डॉलर तकरीबन प्रीवियस प्राइसों से 11 रुपीज़ ऊपर चला गया, 11 रुपये। अब वो जो 11 रुपये ऊपर गया है उसका इम्पैक्ट तो कंपनीज को पड़ना ही पड़ना है डेफिनेटली। कोई भी कंपनी या कोई भी मैन्युफैक्चरर ये कतन नहीं चाहेगा कि उसकी प्रोडक्ट ना बिके। हर एक यहाँ बेचने के लिए चीज़ें बैठा हुआ है, हर एक बंदा जो है वो प्रोडक्ट सेल करने के लिए बैठा हुआ है, वो क्यों ये बात सोचेगा कि मेरी प्रोडक्ट ना सेल हो। आप में से ही बेशुमार लोग होंगे जो कोई ना कोई काम करते होंगे या जो कोई ना कोई किसी ना किसी प्रोडक्ट से वाबस्ता होंगे, आपका दिल क्यों करेगा कि मैं इस प्रोडक्ट को खुद ज़ाया कर दूँ मार्केट में या खुद ख़राब कर दूँ? बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको उस तरफ हालात और कंडीशंस ले जाती हैं, आपको मजबूर कर देती हैं कि आप प्राइसें इंक्रीज़ कर दें। अब जिस तरह टोयोटा ने रिसेंटली, मेरे सामने टोयोटा ने रिसेंटली यारिस लॉन्च की है, तो व्यूज़, जब टोयोटा ने ये यारिस गाड़ी जो लॉन्च की थी, जो ये मेरे सामने भी है, ये गाड़ी की जब पहली बात तो ये कि ये गाड़ी टोयोटा ने बड़े गलत टाइम पे लॉन्च की है जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि बीच में कोरोना आ गया ना, लोगों ने सही तरीके से देखी और देखने से पहले ही अल्लाह माफ़ करे कीमत चढ़ गई है ऊपर, मतलब अजीब सा सिनेरियो बना हुआ है। अच्छा खैर, इसकी जो अब प्राइस जब इन्होंने लॉन्च की थी, जो प्राइस थी वो थी 23,49,000 रुपीज़ इसकी प्राइस थी। अब व्यूज़, इसकी जो प्राइस है वो उठा के वो ले गए हैं 24,69,000 रुपीज़। मतलब जो डिफरेंस इसमें आया तकरीबन 1,20,000 रुपये का डिफरेंस आया। अब ये डिफरेंस जो है ये डॉलर की वजह से आया। इसी तरह फिर जो ऑटो वाला वेरिएंट था वो 25,19,000 का था जो कि 26,49,000 का हो गया, और उसमें डिफरेंस आया है 1,30,000 रुपीज़ का डिफरेंस उसमें आया। तो डेफिनेटली इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। इसी तरह जो इसके आगे भी 1.3 के जो वेरिएंट्स और हैं जिनमें थोड़ा लोडेड वाली मैनुअल ट्रांसमिशन है, और जो उसके बाद इसमें एक CVT ट्रांसमिशन के साथ जो ऑटोमेटिक है 1.3, उनमें भी दोनों में 1,30,000 रुपये का
जो नई प्राइस की एडिशन हुई है। उसके बाद जो इनकी 1.5 वाली है वो उसमें मैनुअल ट्रांसमिशन पहले थी 26,49,000 रुपये की और अब वो माशाल्लाह 27,89,000 की हो गई है। उसमें जो डिफरेंस आया वो 1,40,000 रुपीज़ का डिफरेंस आया। उसके अलावा जो 1.5 में ऑटो वाली है उसके अंदर डिफरेंस तकरीबन 1,50,000 रुपये का है। अब ये जो डिफरेंस हैं ये बहुत ज़्यादा है। अब इसमें होगा ये कि आप लोगों में से बहुत सारों का ये क्वेश्चन होगा कि क्या मैंने जो बुकिंग करवाई हुई है मेरी बुकिंग का क्या होगा, क्योंकि काफ़ी लोगों ने बुकिंग मेरा ख्याल करवाई भी हुई है। अच्छा, बुकिंग का ये होगा, अगर तो आप लोगों ने करवाई है ना फुल पेमेंट पे बुकिंग, तो फिर नो वरीज, आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। गाड़ी कोरोना के बाद आए या जब भी आए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों से इंडस फुल पेमेंट नहीं मांग सकता। इवन इंडस ने एक आर्टिकल भी जारी किया है जिसपे उसने ये चीज़ मेंशन भी की हुई है कि जिन जिन लोगों ने फुल पेमेंट कराई है उन पे ये जो नई प्राइस आई है ये इम्प्लीमेंट नहीं होगी। और अगर वो लोग जिन्होंने फुल पेमेंट दे के गाड़ी करवाई भी हुई है वो भी अगर अपने पैसे वापस लेना चाहें तो वो ले सकते हैं, और जिन्होंने 5,00,000 से बुकिंग कराई हुई है वो भी ले सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू। अच्छा, इसी तरह जो अब मैं अगर क्रोला पे आ जाऊँ तो क्रोला जो हमारी 1.6 एमटी है उस वो 1,10,000 रुपये महंगी हुई है। उसकी जो नई प्राइस है वो है 31,59,000 रुपीज़, पहले थी 30,49,000। इसी तरह उसमें जो ऑटो है वो 1,60,000 इंक्रीज़ हो गई है। अच्छा, इसमें अब 1.6 में इन्होंने टोयोटा ने एक मैनुअल ट्रांसमिशन भी निकाल दी है उसको ज़रा मजीद प्राइस को नीचे ले जाने के लिए कि जिसने मैनुअल लेनी है वो मैनुअल भी ले सकता है। और मेरा ख्याल है वो 6-speed ट्रांसमिशन मैनुअल होगी जो प्रीवियस एल्टस में आती थी। इसी तरह फिर एल्टस एमटी जो कोई भी नहीं लेता 1.8 वाली, वो जनाब 1,80,000 महंगी होगी, वो कोई भी नहीं लेता। फिर आती है एल्टस 1.8 सीवीटी, वो फिर भी कोई थोड़ा बहुत दिखती हैं गाड़ियाँ। उसकी जो प्राइस पहले थी वो थी 34,99,000 रुपीज़, 99 तो ऐसे लगाया हुआ जैसे पता नहीं किया है, मतलब 35,00,000 रुपया हो गया, और उसके उसको बढ़ा के 1,80,000 रुपया उसमें बढ़ गया, वो हो गई है 36,29,000 रुपीज़। फिर आप ग्रैंडे पे आ जाएं 1.8 जो सीवीटी ग्रैंडी है टॉप ऑफ द लाइन, वो 36,99,000 की है पहले थी, अब जनाब वो हो गई है 38,90,000, यानी ऑलमोस्ट 39,00,000 की हो गई है और 2,00,000 रुपीज़ उसके अंदर बढ़ गई है। अब मुझे नहीं पता कि क्या होगा क्योंकि ऑलरेडी इतने बुरे हालात हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है, और लोग गाड़ियाँ मुझे नहीं पता किस तरह खरीदेंगे, आई डोंट नो अबाउट दैट। अच्छा, इसी तरह व्यूज इनका डाला है वो 2,00,000 से लेके 3,00,000 तक महंगा हो गया, जिसमें जो टॉप ऑफ द लाइन रिवो है वो इस वक्त 65,49,000 रुपीज़ का नई प्राइस ऐड करके हो गया। अब आ जाते हैं टोयोटा फॉर्चूनर पे। टोयोटा फॉर्चूनर का जो सबसे लो वेरिएंट है जो अभी इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है वो वेरिएंट इस वक्त तकरीबन वो वेरिएंट इस वक्त 77,00,000 का हो गया यार, 76,99,000 रुपीज़, तौबा मेरी याला, मतलब उसमें 4,00,000 रुपया वो बढ़ी है गाड़ी की प्राइस। ये मैं पेट्रोल वाली की बात कर रहा हूँ, जो बेसिक इसमें पेट्रोल है जिसमें लो छोटे रिम हैं, हैलोजन लाइट्स हैं, फैब्रिक सीट्स हैं, ये वो वाला है, मैं उसका रिव्यू भी इंशाल्लाह बना दूंगा। अच्छा, और उसके बाद जो उसमें 2.7 लीटर में आता है हाई स्पेक जिसको वो कहते हैं, उसकी जो प्राइस है वो है 83,99,000 और वो भी बड़ा है 4,00,000 रुपया। यार बहुत महंगी हो गई है यार, मेरी समझ से बाहर है ये क्या हो गया। फॉर्चूनर जो डीजल सिग्मा 4 है वो इस वक्त 91,49,000 रुपीस, वो 5,00,000 रुपया महंगा हो गया व्यूज, तौबा मेरी याला। अच्छा, एक वेरिएंट और निकाल दिया टोयोटा ने उसके अंदर, वो है जी फॉर्चूनर TRD। बंदा पूछे ये किसने लेना है जी, उसकी प्राइस इन जो नई है वो है 93,99,000 रुपीस। आई एम शॉक्ड, वो भी 5,00,000 रुपया महंगा है, मतलब वो सिग्मा वाले से तकरीबन यू कैन से दैट के 2.5 से 3.25 लाख रुपया महंगा है जी TRD वाला। उसमें क्या होगा, उन्होंने TRD किट्स वगैरह लगाई होंगी व्यूअर्स, और क्या उसमें हो सकता है व्यूअर्स। मेरी समझ से बाहर है कि क्या होगा। हमारी ऑटो इंडस्ट्री मेरे ख्याल के मुताबिक इस टाइम पे बहुत बुरे हालात में है, ड्यू टू डॉलर और ड्यू टू जो पूरे मुल्क में हो रहा है कोरोना की वजह से, और वैसे भी लोगों के अंदर कुव्वत ख़रीद ख़त्म हो जाएगी, लोग गाड़ियाँ और बाइक्स जो है ख़रीदना छोड़ देंगे मेरे हिसाब से। तो व्यूज़ ये थी शॉक्ड प्राइसेस। अब डेफिनेटली टोयोटा ने बढ़ाई हैं तो होंडा और सुजुकी जो है वो भी पीछे रहने वालों में से नहीं है, वो भी बढ़ाएंगे। और शायद आप लोगों को याद हो कि होंडा ने और सुजुकी ने पहले भी प्राइसेस बढ़ा चुका है और अब उसके बावजूद ये बढ़ाएंगे। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि हमारी जो ऑटो इंडस्ट्री है वो किस तरफ जाएगी,
मेरा ख्याल है शायद दुनिया में सबसे महंगी गाड़ियां हमारे कंट्री में हो गई हैं, क्योंकि हमारी करेंसी जो है वो डीवैल्यू होती जा रही है, और नियर फ्यूचर में भी व्यूज़ ये प्राइसेस जो है ऊपर जा सकती हैं नियर फ्यूचर में भी। लिहाजा अब ये चीज़ है कि जिस जिसके पास जो जो गाड़ी है या जो जो बाइक है, आई विल सजेस्ट कि वो उसको रखे और उसको चलाए, अनटिल अनलेस उसको कोई गुड डील ना मिल रही हो या इकोनॉमी स्टेबल हो जाए तो प्राइसेस नीचे आ जाएं, जो कि मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा होगा। बल्कि ये ड्यू टू कोरोना वायरस ये और ज़्यादा हमारी इकोनॉमी जो है ना तबाह होने वाली है, बुरे हाल होने वाले हैं। लेट्स सी कि अब होंडा और सुजुकी क्या बम चलाते हैं हम लोगों के ऊपर मज़ीद, कि इन शॉर्ट ये कंपनीज और गवर्नमेंट यही चाहती है कि आप लोग बाइक्स और जो गाड़ियाँ हैं ना वो ख़रीदना छोड़ दें, तो इनकी ज़रूरत नहीं है हमें, तो अपनी लाइफ जो है इनके बगैर गुजारी जाए। तो व्यूज़ ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है या मेरी जो इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता हूँ पसंद आती है तो कमेंट में ज़रूर मुझे बताया करें, और मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और आखिर में मैं ये भी ज़रूर कहूँगा कि टेक केयर, और उनका भी ख्याल रखें जिनका कोई नहीं रखता। अल्लाह हाफ़िज़।